इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र स्थित पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पोस्ट ऑफिस के दो कर्मचारियों ने 3 लाख का गबन किया है। बताया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस का ऑडिट हुआ तो गड़बड़ी का मामला सामने आया। इसके बाद पोस्ट ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हाँ, 420 का प्रकरण दर्ज हुआ है। ये क्या है, हमारे यहाँ सुदामा नगर जो में पोस्ट ऑफिस है, वहाँ दो कर्मचारी काम करते थे, यादवेंद्र सिंह भाटी और उमराव सिंह चौहान। उमराव सिंह चौहान वहाँ जो है दैनिक वेतन भोगी था और यादवेंद्र सिंह भाटी जो है वहाँ डाक सहायक थे। तो इनने किसी का पैसा लिया होगा 3 लाख रुपये और उनने 1.5 लाख रुपये ही जमा किया और 1.5 लाख रुपये नहीं जमा किया। और जो उमराव सिंह हैं, इनने लोगों से अलग अलग 5,000, 3,000, 10,000 करके 40,000 रुपये ले लिए, लेकिन उनके खाते में पैसा जमा नहीं किया था। जो इनकी विभागीय जांच वगैरह चल रही थी तो बाद में जो है इसमें प्रकरण 420 और 409 का कायम किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।